तो आज हम बात करेंगे लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की बिग अपडेट ये है कि जो फार्मेसी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जामिनेशंस होंगे, वो जो जूनियर्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। हालांकि ये जो डिसीज़न है ये सिर्फ अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है। हो सकता है कि अभी धीरे धीरे ये सारे गवर्नमेंट्स, सारे स्टेट्स के गवर्नमेंट्स को लेना पड़ जाए, और लेना पड़ेगा, ये ज़रूरी भी है एक तरह से, क्योंकि जो जूनियर्स हैं उनको तो प्रमोट करना पड़ेगा और लास्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन वो होंगे ही होंगे। क्योंकि अभी देखो, अगर उनके एग्जामिनेशन हो जाते हैं तो अभी वो मार्केट में जाके काम कर सकते हैं जैसे लॉकडाउन खुलेगा। अगर नहीं होते तो उनको एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, या फिर इनको डिग्री दे देते तो ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स मार्केट में नहीं आने चाहिए थे वो भी मार्केट में आ जाते हैं, जिनकी सप्लियंस थी, जिनके लास्ट सेमेस्टर्स रहते थे अभी क्लियर करने, जिनको स्टडी की ज़रूरत थी। हो सकता है उनको थोड़ा बहुत और ज़रूरत हो पढ़ने की, बट वो फिर भी प्रमोट हो जाते हैं और उनको मार्केट में आने दिया जाता है। तो इससे थोड़ा बहुत मार्केट को लॉस हो जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे नहीं आने चाहिए मार्केट में वो भी आ जाते हैं। तो एग्जामिनेशन कैरी आउट करना एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है। देखा जाए तो अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है, हो सकता है धीरे धीरे ये सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट ले ले। हम बोल सकते हैं कि अभी सिर्फ लास्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होंगे और जो जूनियर्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में विदाउट एनी एग्जामिनेशन। बाद में क्या डिसीजन लेते हैं वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि उनको पिछले सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे या फिर उनके दोबारा से एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, ये अभी डिसाइड नहीं किया गया। तो इतना ही था इस वीडियो में कि जो लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं किसी भी फील्ड के, उनके एग्ज़ाम्स होंगे और जूनियर्स हैं उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना।